यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जो भी सड़कें बना रही है उसमें मानकों की धज्जियां उड़ रही हैं। कहीं पर ग्रामीणों के पुराने रास्तों को बर्बाद किया जा रहा है, तो कहीं बिना डंपिंग जोन के सड़क का मलबा ग्रामीणों के खेतों में फेंका जा रहा है। टीरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कृतिनगर ब्लॉक पट्टी डागर गोदी रेतासी मोटर मार्ग में ग्रामीण 4 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और अब तक प्रशासन ने उनकी सुत तक नहीं ली है। ग्रामीण काश्तकारों का कहना है कि उनके खेतों का कोई मुआवजा नहीं मिला, उनके डेली आवागमन के रास्तों को भी सड़क निर्माण में काट दिया गया, जिनको ठेकेदार द्वारा दोबारा से नहीं बनाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने स्थानीय भाजपा विधायक पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पहले सड़क निर्माण PW के पास थी, जिसमें 18 ठेकेदारों को काम दिया गया, पर स्थानीय विधायक ने लोक निर्माण विभाग से इस सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में डाल दिया और अपने चहेते जिला पंचायत टीरी सोना सजवान के पति को काम दे दिया गया। बड़ी बात है, कहीं पर क्षेत्रीय विधायक द्वारा बहुत कुछ वो कर जाते हैं, कतारी कर दी गई है। यहाँ पर 18 में एक छोटी सी बात पहले उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ये रोड जो कट रही थी ये 18 ठेकेदारों को मिला था, जिनका पार्टों का काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन व्यक्तिगत अपने हित को देखते हुए इन्होंने एक आदमी काम दिया, 18 आदमी का रोजगार छोड़ गया। दूसरी बात, मेरे साथ पूर्व में ये रोड के सब अनशन में बैठा हूँ, एक समझौता हुआ था PW के साथ कि रोड के कटने के 3 साल बाद हम कटान दबान और रास्तों का निर्माण कर देंगे, लेकिन आज 4 साल हो गए हैं, न कटान का मिला, न दबान का मिला, न रास्तों का निर्माण किया गया। मेन तो मेरी सड़क टूट गई, मकान थे खाना बनाने से भी चल गई सड़क में, आपके कारण मैं बैठू चाहिए बस, कुछ नहीं सरकार में ध्यान। क्षेत्र विधायक कुछ कर रहा है समर्थन? कुछ नहीं करे, बस आईना फोटो खींचे या मुआ खड़ा तक मुआ खड़ा लेटी मुआ सड़क में वार बात आप कुछ नहीं मिली। मुआवजा नहीं मिला आपको? ना बिल्कुल नहीं ना, लगभग कत लाख का नुकसान हो तुम्हारे खेतों? खेतों की वहाँ से पारो से देखे आनो चो सब टूट गयो चो। अच्छा, आज जमीन से मेरी एक कमरा था गाड़िया भैंस रोको तो भैंसा भेतर रसो आड़ चो और किचन टूटी गए बिहार सड़क में, कोई मुआवजा नहीं मिला ना आपको? ना, हमारे न तो जाने के रास्ते है न तो खेत में खाने के लिए कुछ है, खेत भी टूट गए, जाने के रास्ते भी टूट गए। किन लोगों ने तोड़ा आपका रास्ता ये? अब सरकार ने तोड़ा, जिसने सड़क बनाई है, है? अब वो विधायक जाने या सरकार जाने, हम क्या जान सकते हैं, हम तो बैठे हैं यहाँ वो पर हड़ताल पर, अब जब तक हमको कुछ नहीं मिलेगा हम नहीं उठेंगे यहाँ से। बैठे 3-4 सालों से हम उसका वो करा रहे हैं हम, लेकिन हमारी बात अभी तक विभाग कोई नहीं सुन रहा है। कारण क्या है, किस कारण से बैठे? कारण इस ये कारण है कि हमारे यहाँ ना तो हमारा गवान का मिला, ना हमारा ये कटान का मिला, ये हमारे सारे रास्ते जो है सब ब्लॉक हो रखे हैं, ना यहाँ कोई सुनता है हमारी। मामला 10-15 दिन पहले मेरे संज्ञान में आया हुआ था, नियम सर द्वारा मुझे निर्देश भी दिया गया हुआ था कि इसकी जांच करें, 10 दिन पहले हमने इसकी जांच भी कर ली है और हफ्ते पहले इसकी रिपोर्ट भी हमने प्रस्तुत कर ली है। जो भी इंसान है, अगर कोई भी व्यक्ति है, उसका चाहे घर टूटा हो, चाहे उसके घर में दरार आई है, चाहे किसी के घर में जाने वाली जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया हो, कुछ भी परेशानी है, उन सबकी डिटेल लिस्ट जो है हमने अपने फील्ड इंस्पेक्शन में सबको एक एक व्यक्ति का नाम नोट करके किसका क्या नुकसान हुआ है, उपजिलाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। फिर भी अगर लोग जो धरने से बैठे हैं, उनसे मेरी यही विनती है कि अगर कोई नाम छूट गया है, हम आपके माध्यम से रिपोर्ट भी अगर कोई भी आपका प्रधान चाहे तो वो यहाँ से हमारे कार्यालय से ले सकता है, अगर कोई व्यक्ति उसका नाम छूट गया है तो जरूर उसका नाम भी उस रिपोर्ट में हम शामिल कर देंगे, हमारे पटवारी जाएंगे स्थलीय निरीक्षण करके जांच रिपोर्ट दे देंगे और आपका नाम जो है वो प्रस्ताव कर दिया जाएगा। वहाँ पे कल से धरने पर बैठे 60 साल से उम्र के विकलांग महिला भी, कहाँ पे लोग बैठे थे, उसमें आप क्या उनको आश्वासन देंगे? देखिए, आप लोग से यही गुजारिश करूंगी कि ऐसा नहीं है कि आपका मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, आप लोग भी पता है कि 10 दिन पहले मैं खुद स्थलीय निरीक्षण करके एक एक व्यक्ति का नाम नोट कर चुकी हूँ, तो आप लोगों को यही आश्वासन दूंगी कि अगर किसी का भी खेत बिगड़ा है या फिर किसी का घर टूटा है या कोई भी क्षति पहुंची है तो उस चीज का समाधान जरूर किया जाएगा। आप लोग से बस यही विनती कि आप लोग ऐसे धरना प्रदर्शन कोविड के टाइम पे ना करें, आप अपनी जान और अपने परिवार की जान जो है वो खतरे में डाल रहे हैं। सही तरीका यही है कि आप नेम वाइज मुझे लिस्ट दे दें कि ये फलाना व्यक्ति है, इनकी ये क्षति हुई है,
तो ये आप लोग की जरूर सुनी जाएगी और ये हम प्रस्ताव जिलाधिकारी को जरूर देंगे। यूके लाइव के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।